हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है पीएच इन डेली लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने पीएच के बारे में अच्छे से देखा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि ये जो कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड है। देखो, डेली लाइफ में हमें पीएच के कौन कौन से केसेस देखने को मिले हैं, हम कैसे एक्सिस एसिड और बेसिस को न्यूट्रलाइज करने वाले हैं वो इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले एसिड रेन। आपको पता है कि जितने भी फैक्ट्रीज, जितने भी व्हीकल, जो भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। जनरली उनमें ऑक्साइड होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड है, ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और जब ये कई दिन तक अपने एटमॉस्फेयर में घिरे रहते हैं और उसके बाद जब बारिश आती है तो ये ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और जो रेन है उसकी नेचर को क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। जैसे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरस एसिड बना देते हैं। अब आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है ना, वो कितना ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस है, उसकी पीएच तो बहुत ही ज़्यादा कम है और उसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। ऐसे ही जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्सअप होता है तो नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रस एसिड बना देती है। और इतनी ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से ये जो प्लांट्स और एनिमल हैं और जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं जैसे कि रिवर्स हैं, तालाब हैं, पॉन्ड हैं, वहाँ जाके उन जो पानी है वहाँ पे उसको भी क्या कर देते हैं, हाईली एसिडिक कर देते हैं। अब आपको पता है कोई भी एनिमल है वो हाईली सेंसिटिव होता है, कोई भी प्लांट है वो हाईली सेंसिटिव है टुवर्ड एसिड एंड बेस के, वो सर्वाइव नहीं कर सकते ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे क्या हो, हाईली एसिडिक या बेसिक हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड रेन की वजह से जो उन एक्वेटिक सब्सटेंसेस में कितना ज़्यादा पानी जो है वो एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से जो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो एसिडिक नेचर की वजह से मर जाते हैं, उनका सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाता है इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जनरली मेजर ऐसी गैसेज हैं जो कि एसिड रेन को क्या कर देती हैं, इंक्रीज करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो पहली बारिश होती है सीजन में वो उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन जब होता है वो एयर में ट्रैप रहता है, और जब वो रेन आएगी तो क्या हो जाती है, पानी के साथ मिक्सअप हो जाएगी और वो जो रेन होगी वो एसिडिक काफ़ी ज़्यादा होगी और वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है हमारी स्किन के लिए, स्किन इरिटेशन हो सकती हैं, प्लांट्स के लिए भी प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, एक्वेटिक एनिमल भी मर सकते हैं जैसे फिशेज वगैरह। तो एसिड रेन ऐसे बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये हमारी डेली लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और ये भी ज़रूरी है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक या बेसिक हो सकता है, डिपेंड करता है वो कौन सी इंडस्ट्रीज है या कौन सी फैक्ट्री है। तो उसका जो वेस्ट है उसको भी अच्छे से ट्रीट करके या फिर न्यूट्रलाइज करके वो जो रिवर्स है उसमें मिक्सअप करना चाहिए अगर कोई और ऑप्शन ना हो, ठीक है, ताकि जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक प्लांट है वो जी सकें, उनके सर्वाइवल में कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू से, और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, फार्मर्स जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। अब वो जो फर्टिलाइजर होते हैं वो या तो जनरली एसिडिक हो सकते हैं या बेसिक हो सकते हैं, और एसिड रेन की वजह से भी जो सॉइल है उसकी नेचर में चेंज हो जाता है, वो भी एसिडिक या बेसिक हो जाती है, ठीक है। जिस तरह का हम वेस्ट डालते हैं उस वजह से उसकी नेचर में भी चेंज आता है, ठीक है। तो एसिड रेन से वो एसिडिक हो जाती है, उसके अलावा जो भी फैक्ट्री वेस्ट है या फिर जो भी हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो सॉइल की जो पीएच है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है, प्लांट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो ग्रो नहीं कर सकते हैं, जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं, प्लांट ग्रो ओनली इन न्यूट्रल इन्वायरमेंट, वो न्यूट्रल इन्वायरमेंट में ही ग्रो कर सकते हैं। जो सॉइल है वो एसिडिक हो चुकी है तो उसको हमें बेसिक कैसे करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसमें हम कुछ सब्सटेंसेस डाल सकते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम,
इसके अलावा लाइम वाटर जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर, इसके अलावा हम कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं, लाइमस्टोन कह सकते हैं, चोक कह सकते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मॉडरेट बेस है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड है उसको ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प होंगे। अगर जो सॉइल है वो बेसिक हो चुकी है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, एसिडिक फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं ताकि जो पीएच है सॉइल की उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सिंपल सी बात है, अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें बेस डाल दो, ये जो मॉडरेट बेस है ये डालेंगे। अब यहाँ पे NaOH के एस्टर डालने से रहे क्योंकि वो हाईली बेसिक है, ठीक है, उससे क्या होगा, बेसिक सॉइल जो सॉइल है वो बेसिक हो जाएगी। अगर जो जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो चुकी है तो उसमें एसिड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो पीएच ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पे एक जे लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये पार्ट है बॉडी का, ये होता है स्टमक। और इसमें आपको पता है कि गैस्ट्रिक एसिड होता है जो कि होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी पीएच काफ़ी कम होती है। जब हम स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर एसिडिक सब्सटेंसेस ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, जो पीएच होगा काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी, पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, हाईली एसिडिक हो जाती है। इससे क्या होगा, इरिटेशन होगी क्योंकि जो इसकी म्यूकस लेयर है वो ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंसेस को झेल नहीं सकती, जिस वजह से इरिटेशन हो सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, जिसको कहते हैं अपच। स्टमक में काफ़ी ज़्यादा एसिड सब्सटेंस का बन जाना, पीएच काफ़ी कम हो जाना, ठीक है, ये क्या होगा, इनडाइजेशन। और इसके रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड टैबलेट लेते हैं। एंटा एसिड में क्या होता है, जनरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेलको मैग्नीशिया, ये मॉडरेट बेस है, जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो हमने सिर्फ एक्सेस को ही न्यूट्रलाइज कराना है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर एंटा एसिड अवेलेबल ना हो तो हम क्या करेंगे, जनरली हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से पानी में बेकिंग सोडा मिक्स करके भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके अलावा जो इनो यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, इनडाइजेशन से रिलीफ कराएगा। लेकिन कई बार एसिडिटी हो जाने से क्या करते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो कंज्यूम नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी एसिडिक होती है, वो और भी ज़्यादा दिक्कत करेगी, ठीक है। इसके अलावा आता है टूथ डिके। देखो टूथ में हमारे पास क्या है, आपके पास इनेमल लेयर होती है जो कि सेंसिटिविटी से बचाती है, कोई भी ठंडा गर्म है उससे बचाती है, क्योंकि सेंसरी नर्व्स है वहाँ पे जो ठंडा गर्म लगता है उससे वो बचाती है ये लेयर, ठीक है। अब जो हम टूथ डिके की बात कर रहे हैं वो रिलेटेड है जब हम ब्रश नहीं करते, आपने खाना खा लिया और जनरली जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बाद बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे माउथ में। अब वो क्या करेंगे, एसिड रिलीज करेंगे जो कि क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट कर देंगे, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इसको ख़त्म कर देंगे, वो सारी की सारी इनेमल लेयर हट जाएगी। तो क्या होगा, जब भी आप गर्म या ठंडा खाओगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट जो सेंसेस हैं वो नर्व से हमारे ब्रेन तक जाएंगे, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एकदम से झंझनाहट होती है, ठीक है। तो टूथ डिके में हम क्या करेंगे कि जनरली जो बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं खाने के बाद ब्रश ना करने से या फिर कूलर ना करने से, वो एसिड रिलीज करते हैं जो कि इनेमल लेयर को, जो टीथ के ऊपर लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, उसको ख़त्म कर देती है कैल्शियम के लेयर को, ठीक है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें, रोज़ हमें टूथपेस्ट का यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट में क्या होगा, माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर हो चुकी है जो कि उसको ख़त्म कर देगी, इनेमल लेयर को उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ओके। इसके बाद देखो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, आपको पता है जो हनी भी होती है और कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि इंसान को काट लें तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है और काफ़ी ज़्यादा स्वेलो भी हो जाता है, वो क्या करते हैं, ये मिथनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड रिलीज करते हैं वहाँ पे स्किन पे, इससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी होती है। इसके रिलीफ के लिए सिंपल क्या करें, बेकिंग सोडा थोड़ा सा वाटर में डिसोल्व करके लगा लें, सॉफ्ट सॉल्यूशन लगा सकते हैं,
क्योंकि जो मिथेनॉइक एंड फॉर्मिक एसिड है वो एसिडिक नेचर है और जो बेकिंग सोडा है वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा हम कैलामाइन सॉल्यूशन लगा सकते हैं जिसको कहते हैं जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा, किसको कर देगा, मिथेनॉइक एसिड को या फिर फॉर्मिक एसिड को। इसके अलावा सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट्स की बात करें, जंगल में घूमते हुए जो नेटल प्लांट के जो नीडल्स होती हैं वो इंसान के अंदर फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड रिलीज कर देंगे, जिस वजह से अगेन हमारे अंदर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगी, पेन होगा, इंटेंस पेन होगा, इरिटेशन होगी। ठीक है, इचिंग हो सकती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहीं पर आसपास में क्या होगा, डॉग प्लांट होता है। ठीक है, डॉग प्लांट न्यूट्रलाइज करेगा जो भी एसिड रिलीज किया है नेटल नीडल्स ने। ठीक है, नेटल लीव्स ने। ठीक है, आई होप आपको जो पीएच का डेली लाइफ का कंसेप्ट वो अच्छे से समझ आ गया होगा। एसिड रेन में हम कैसे करेंगे, एसिड रेन में तो हम जनरली ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, यही हो सकता है कि हम फैक्ट्रीज और फॉसिल फ्यूल का कम यूज़ करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा एसिडिक फूड ना खाएं और इनो का यूज़ करें, एंटी एसिड का यूज़ करें, एसिडिक सॉल्ट के लिए कि हम बेसिस का यूज़ करें, बेसिक सॉइल के लिए हम एसिडिक फर्टिलाइजर का यूज़ करें, टूथ डीके से बचाने के लिए हम टूथ पेस्ट का यूज़ करें, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स यानी कैलामाइन सॉल्यूशन काफ़ी बेस्ट तरीका है मेथनॉइक एसिड की इरिटेशन से बचने के लिए, डॉग प्लांट यूज कर सकते हैं अगर नेटल प्लांट्स की नीडल ने उनको इन्फेक्ट किया। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा।